For helping us, blessing us, guiding us, blessing guiding thank you in full faith. Inhale the blessings. नमस्ते वन So हमारे जो इंडिया है हमारा जो हिंदुस्तान है यहाँ पे हर तरह के त्योहार मनाए जाते हैं uh, और रिश्तों से भरपूर ये सब त्योहार होते हैं कभी पत्नी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है कभी हम माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए दिवाली मनाते हैं कभी हम अपना सारा बुरी चीजों को हटाने के लिए होली का दहन करते हैं तीज कई सारे उत्सव और इस साल की मेरी यह मुहिम रही है कि मैं सारे उत्सवों का एक वीडियो बनाऊ मेरे YouTube चैनल अब एंड ग्रेस जिसको आप सबको सब्सक्राइब करना है अपने दोस्तों में फैलाना है ताकि सबको ज्ञान मिले तो आज रक्षाबंधन की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या मैं बताऊंगी सबसे पहले ये कहानी कहाँ से आई ये मनाना कहाँ से शुरू हुआ इसके बारे में बात करेंगे देन रक्षाबंधन कैसे मनाए क्या करें उस दिन विशेष चीजें क्या ना करें फिर मुहूर्त और उन सबसे बढ़कर जिसका अधिकतर सुना तो था पर मतलब नहीं पता था एक मंत्र उसका उच्चारण करना है जब आप अपने भाई को राखी बांधो उसके बारे में एंड में बात होगी जिसका क्या मतलब है जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं अंत तक वीडियो को देखिएगा सुनिएगा बट अभी हम लेट्स मूव फॉरवर्ड कि रक्षा बंधन कहाँ से शुरू हुआ क्या इसका मतलब है So, भविष्य पुराण एक पुराण है जहां पे देवताओं और असुरों में युद्ध हो रहा था उसके बारे में चर्चा हो रही है अब देवताओं और असुरों में युद्ध हो रहा है और एक ऐसा टाइम आता है जहां पे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आ, असुर जीत जाएंगे एंड ऑल ऑफ सडन समथिंग हैपन्ड कि देवता जीत गए तो असुर बड़े व्यथित हुए उन्होंने सोचा ऐसा कैसे हुआ और वो अपने उनकी जिन्होंने ज्योतिष पढ़ा है मेरे साथ उनको पता है उनके जो गुरु है शुक्राचार्य जी उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऐसा कैसे हुआ हम तो जीत रहे थे और ये अचानक से कैसे जीत गए तो शुक्राचार्य जी उनको बोलते हैं कि ये इसलिए हुआ कि जो देवता है वो मेरे भी जो गुरु हैं जो बृहस्पति देव है उनके पास वो पहुंच गए और उन्होंने पूछा कि अब हम इनसे जीते कैसे असुरों से तो जो इंद्र थे, इंद्र राजा थे थे राजा देवताओं के वो युद्ध लड़ रहे थे तो वो जब जाते हैं अपने गुरु के पास तो गुरु उनको बोलते हैं एक पर्टिकुलर दिन पर्टिकुलर मुहूर्त पे आप अपनी पत्नी सची उनसे बोलिए कि वो एक सूत्र तैयार करें एक स्पेशल धागा बनाए ऐसा और वो उस दिन उस समय आपकी कलाई पे बांध दे और आपकी जीत निश्चिंत है और ऐसा ही सची करती है और फिर वो जिस दिन का जो बृहस्पति देव है जिन्होंने देवताओं के जो गुरु हैं जिन्होंने बताया जिस विधि से बताया उसी विधि से वो एक रक्षा सूत्र बनाती है और अपने पति की कलाई पे बांध देती है जाने से पहले एंड एज द हिस्ट्री इंद्रदेव जीत जाते हैं ये युद्ध अब वो दिन कौन सा था वो दिन था श्रावण मास की पूर्णिमा जो कि होता है रक्षाबंधन का दिन तो एक तो यह कहानी थी भविष्य पुराण की अब वो असुर अपने शंकरा अपने शुक्राचार्य जी से पूछते हैं तो फिर हम वापस जीते कैसे तो शुक्राचार्य जी कहते हैं अब तुम्हें एक साल वेट करना पड़ेगा सो असुर एक साल वेट करते हैं फिर नेक्स्ट कहानी आती है भागवत पुराण में उसमें ऐसा होता है कि असुरों के राजा कौन राजा बलि सो so, राजा बलि वापस इंद्रदेव पे युद्ध करते हैं और जीत जाते हैं और इंद्र को पूरा हेवन को स्वर्ग लोग को अपने कब्जे में ले लेते हैं अब इंद्र के वो कब्जे में चला गया फिर ये व्यथित हो गए देवता लोग फिर से पहुंच गए विष्णु जी के पास क्योंकि विष्णु जी क्या है प्रोटेक्टर क्रिएटर ऑफ क्रिएटर तो ब्रह्मा जी है विष्णु जी प्रोटेक्शन भी करते हैं हमारे इस uh, पूरा लोक का तो ये देवता उनके पास पहुंचते हैं और पूछते हैं भाई अब हमें विधि बताओ हम कैसे क्या करें तो विष्णु जी क्या करते हैं वामन अवतार लेते हैं ओके वामन अवतार क्या होता है ड्राफ एक बौने का अवतार लेके वो पहुंचते हैं राजा बलि के पास राजा बलि क्या कर रहे थे उस समय अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे so, उन्होंने एक वचन, एक वचन प्रतिज्ञा ली थी कि ऐसा मैं यज्ञ करूंगा ताकि हमेशा के लिए मेरा राज रहे देवताओं पे और वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था यज्ञ जब वामन देव आ जाते हैं वहां पे और वो बोलते हैं राजा से कि मुझे भिक्षा दीजिए तो अब राजा बलि सिंह हवन कर रहे थे और उसी समय क्या था एक पुण्य काल आ गया तो पुण्य काल आ गया तो राजा बलि क्या थे कौन थे प्रहलाद जिनकी कहानी आपने सुनी होगी होली पे उनके पौत्र थे तो वो भी ऑल दो असुर थे बट स्पिरिचुअल बहुत थे दानवीर बहुत थे तो वो वामन देव को कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें वचन देता मैं तुम्हें दान देता हूँ मांगो तुम्हें क्या चाहिए तो वामन देव कहते मुझे तो तीन कदम धरती दे दीजिए थ्री स्टेप्स ऑफ लैंड आई वॉन्ट फ्रॉम यू अब वो राजा बलि हंसने लगते हैं कहते हैं वाह जैसे बोने तुम वैसी बोनी तुम्हारी बुद्धि तीन कदम मांग रहे हो तुम तुम्हारे तीन कदम कितने से होंगे तो वो कहता है राजन मुझे तो यही चाहिए ये कॉन्वर्जेशन होता है और वो बोलते राजा बली की हाँ ठीक है उतने में शुक्राचार्य जी जो उनके गुरु है पास में बैठे वो सब माया समझ जाते हैं वो समझ जाते सी आई एम गेटिंग वो समझ जाते हैं कि ये विष्णु भगवान की चाल है बट राजा बलि को वो इशारा भी करते हैं बट वो कहते हैं मैंने तो तो दे दिया वचन तो मैं निभाऊंगा अब वामन देव अपना तीन कदम दो कदम में वो पूरा संसार समेट लेते हैं और तीसरा कदम वो राजा बलि से पूछते हैं बताओ मैं कहा रखू तो राजा बलि कहते हैं अब तुम कहा रखोगे मेरे सर पे रख लो आपके अधीन में सो विष्णु जी उनके सर पे वो कदम रखने वाले होते हैं या रख देते हैं तो अब विष्णु जी बहुत खुश हो गए भगवान है ना उनको लगा वाओ क्या ये राजा असुरों के राजा होते हुए भी इतना इनके मन में दया और अपनी वचन पे रहने वाले अडेंग तो वो विष्णु जी वापस राजा बलि को कहते हैं कि अब तुम मांग उस समय तक वो अपना रूप भी धारण कर लेते विष्णु जी सामने प्रकट हो जाते कि मैं विष्णु भगवान हूँ मैं देवता हूँ वट एवर एंड राजा बलि को बोलते कि राजन अब आप मांगिए मुझसे कुछ बार मैं बड़ा खुश हुआ तो राजा जी कहते हैं विष्णु देव मुझे तो आपकी भक्ति का चाहिए मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूं हमेशा आप मेरे पास रहें So, आप मेरे द्वारपाल बन जाइए अब विष्णु जी ने वादा कर दिया फस गए विष्णु जी तो वो द्वारपाल बन गए जी। अब वो वो राजा बलि के महल में, तो सिंस द्वारपाल बन गए तो वापस उनके पास सब कुछ आ गया राजा बलि के पास अब वो रक्षा कर रहे हैं अब उधर लक्ष्मी माँ बड़ा चिंतित कि भाई विष्णु जी कहा चले गए आए नहीं तो वो जाती है नारद ऋषि के पास और पूछती है कि भाई मेरे पति कहाँ चले गए तो वो पूरा व्रतांत बताते हैं नारद मुनि उनको कि ऐसा ऐसा हुआ तो तो अब वो लक्ष्मी जी पूछते हैं कि क्या करें तो अगेन नारद जी कहते हैं बहुत करीब एक दिन आ रहा है उस दिन तुम जाना और राजा बलि को एक रक्षा सूत्र बांध देना और फिर उनसे रिटर्न में अपने पति मांग लेना ठीक है जी लक्ष्मी जी एक साधारण नारी का जिस दिन का उल्लेख किया नारद मुनि ने उस दिन वो जाती हैं और राजा बलि के सामने जाके बोलती है राजन मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूँ तो राजन कहते हैं ठीक है बांध दो फिर वो कहते हैं कि ठीक है तुमने मेरी रक्षा सूत्र बांधा है तो अब मैं तुम्हें क्या दे दू मांगो तुम्हें क्या चाहिए उस जमाने में क्या ऐसे ही होता था मांगिए क्या चाहिए सो so, अब लक्ष्मी जी कहते हैं राजन मुझे तो जो आपके द्वारपाल है वो चाहिए क्योंकि वो मेरे पति हैं और फिर राजा बलि को हंसी आती है ओहो फिर मैं फंस गया एनीवेज उन्होंने वादा किया था तो वो वापस लक्ष्मी जी को विष्णु जी मिल जाते हैं और वो दोनों चले जाते हैं तो अब वो दिन कौन सा था अगेन श्रावण मास का फुल मून सो so, ये कहानी तब से शुरू हो रही है अब कहानी में दोनों बार क्या हुआ दो पत्नियों ने अपने पतियों को मांगा है फिर समय बीतता गया एक बार युधिष्ठिर जी पूछते हैं श्री कृष्ण से भी इसके बारे में तो श्री कृष्ण उनको ये पूरी कहानी सुनाते हैं राजा बलि का और उसी से वो मंत्र भी आता है अभी आपको बाद में बताऊंगी अब हम देखें कि ये बात ये तो हो गई स्त्रियों की यहां आपने क्या देखा A feminine एस्पेक्ट इज आस्किंग फॉर अ masculine एस्पेक्ट ओके सो स्त्री word यहाँ पकड़ा गया और baad में एक बार क्या हुआ श्री कृष्ण कहीं उनके चोट लग जाती है हाथ में मोस्टली ऐसा कहा जाता है कि वो सुदर्शन चक्र से कुछ वध कर रहे थे तो उनके चोट लग जाती है वहीं पास में द्रौपदी खड़ी होती है तो वो इमीजिएटली अपनी साड़ी का एक पल्ला का चीर फाड़ के श्री कृष्ण की उंगली पे टाई कर देती है और अगेन वो दिन कौन सा होता है श्रावण मास का फुल मून पूर्णिमा तो वो बांध देती है और श्री कृष्ण उनको वचन दे देते हैं कि सिंस आज तुमने मेरी रक्षा की तो जब भी जीवन में तुम्हें जरूरत पड़ेगी या सारी जिंदगी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और आप लोगों को पता ही है महाभारत में एक समय ऐसा आया दुशासन चीरहरण कर रहे थे द्रौपदी का और फिर द्रौपदी पुकारती हैं श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण अगेन आई एम गेटिंग गुज श्री कृष्ण वही साड़ी को लंबा कर देते हैं और द्रौपदी मैया की द्रौपदी की इज्जत बचाते हैं सो so ये तीसरा वृतांत एक और चीज हुई वेरी रिसेंट हुई वो हाँ रिसेंट से कुछ हजार साल पहले की बात होगी ऑल दो एक थी रानी कर्णावती चित्तौड़ की थी Uh, मेवाड़ की थी रातर उन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए हुमायूं को ऐसा ही एक रक्षा सूत्र सूत्र, सूत्र भेजा होता है राखी कि हमारे हमारी रक्षा कीजिए एंड हुमायूं उस रक्षा का मां उस राखी का मान रख के रानी कर्णावती की रक्षा करते हैं सो दिस वाज द मोस्ट रीसेंट सो तब से ऐसा एक चलन आया कि जब भी कोई भी भाई युद्ध में जाता तो बहन उसके कलाई पे ये रक्षा सूत्र बांधती या कोई भी भी पति जाता तो ब्राह्मण से बुलवा के पत्नियां बंधवा देती या खुद भी क्रिएट कर सकती है सो so, नाउ ये तो हो गया अपना माइथोलॉजी एस्पेक्ट कि कहानी कहाँ से शुरू की हुई नाउ व्हाई दिस पर्टिकुलर डे श्रावण जो सावन का महीना है उसकी पूर्णिमा को ऐसा विशेष क्या होता है जिसकी वजह से ये राखी उसी दिन मनाई जाती है उस दिन क्या होता है कॉस्मोस में सोलर सिस्टम में एक स्पेशल एनर्जी क्रिएट होती है एक स्पेशल वाइब्रेशन क्रिएट होती है जो होती है प्रोटेक्शन की यू you नो know, एक वहां पे एक आ, अलग तरह की वाइब्रेशंस एनर्जी एक एनर्जी पोर्टल रिमेम्बर अभी थोड़े दिनों पहले पहले मैंने लाइन्स पोर्टल का सेशन लिया था वैसा ही हमारे हिंदुओं में उस दिन श्रवण नक्षत्र होता है और एक प्रोटेक्शन का एक एनर्जी क्रिएट होती है इन द यूनिवर्स सो उस दिन आप लोग जैसा कि मैंने अपने सेशन का अनाउंसमेंट किया जब बोला हाउ टू डिफीट योर बैड कर्मास उस दिन अगर आप लोग पूजा पाठ विधिवत करें और एक रक्षा सूत्र की स्थापना करें कुछ भी स्पेशल नहीं करना है मौली सिंपल लाल रंग की थ्रेड आती है बाजार में वो थ्रेड आप लीजिए और उस दिन इन्वोक टू द गॉड्स बिकॉज द एनर्जी इज इन द यूनिवर्स प्रोटेक्शन की एक शील्ड क्रिएट होती है आने वाले पूरे साल के लिए तो अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप उसको भी ये धागा बांध सकते हैं कि उसका उसकी तबीयत ठीक रहे गरीबी है नजर लग रही है बहने क्या कर सकती है भाइयों को ये बांध सकती है अपने पीहर की दहलीज पे यू you नो know, आपके घर की एंट्रेंस पे तो आई डू रिमेम्बर बचपन से ये देखिए राम राखी ऐसी राम राखी की हम लोग पूजा करते थे और सब जगह बांधते थे बी एट हमारी कार हमारा घर की दहलीज हमारा लॉकर हमारे इष्ट देव सबके और आज मुझे इस बात का जब अभी थोड़े दिनों पहले जब आई वॉज गोइंग थ्रू क्योंकि आजकल मैं बहुत शास्त्र पढ़ रही हूँ तो वेन आई वॉज गोइंग थ्रू आई केम टू नो कि उस दिन एक स्पेशल एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट होता है एक कॉस्मोस में स्पेशल एनर्जी क्रिएट होती है जो प्रोटेक्शन की होती है एंड एज यू ऑल नो अभी कोविड चल रहा है